अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में बहुत खुश होंगे। यहाँ मैंने भिगो दी थी दाल माश, तो सुबह का टाइम था, यहाँ मैंने दाल माश को भिगो दिया और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तो ये भीगी रही थी। उसके बाद अच्छे से वॉश करके यहाँ मैंने इसको बॉयल पानी में डाल दिया, बिकॉज़ हम इसको सेपरेट बॉयल करेंगे। सेपरेट बॉयल करने के लिए यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल दिया हल्दी 1/4 टीस्पून, उससे इसका ओवरऑल कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा और इसका टेस्ट भी थोड़ा डिफरेंट आता है, तो आप कभी ट्राई कीजिएगा इसको। उसके बाद ही हम खड़े खड़े मसालों के साथ इसको बनाएंगे, जिस तरह हाईवे स्टाइल दाल माश होती है। तो रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है, तो आप रेसिपी का ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ जी अदरक और लहसुन, मेरे पास ये चॉप्ड है, दोनों 1 टेबल स्पून है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और ये देखिए जी कितना खूबसूरत सा इसका कलर भी आ गया, और जब ये हल्की आंच पे इस तरीके से सेपरेट आप जब बॉईल करते हैं तो इसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा सा हो जाता है और बहुत मज़ेदार से बनती है, कभी इसको आप ट्राई कीजिएगा। उसके बाद लहसुन थोड़ा सा सौते हो जाए, तो सौते होते ही इसके अंदर मैंने बेसिक से जो मसाले हैं वो डालने हैं, जिसमें जाएगा जी नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, हल्दी थोड़ी यूज़ कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसके अंदर चॉप टोमेटोज़ डाल दिए हैं, जो कि मेरे पास फ्रोज़न थे और उनको मैंने इस तरीके से पिसवा लिया था। ज़ीरा जाएगा जी इसके अंदर, और खुश धनिया तो अभी मैं इस टाइम मसाला बनाते हुए नहीं डालूंगी, इसलिए कि उसमें आपका जो खाने का कलर है थोड़ा सा तेज़ हो जाता है। ये देखें जी दाल का कलर भी बहुत खूबसूरत आया, और जब ये मसाले के अंदर जाएगी तो उसका कलर और खूबसूरत हो जाएगा। ये देखें, उसके बाद मैंने इसके अंदर जूलियन कटी हुई अदरक डाल दी थी और साथ हरा मसाला डाल दिया था, जिसमें हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्ची थी। थोड़ा थोड़ा सा साथ मैंने पानी डालकर इसको सिमर होने के लिए हल्की आंच पर रख दिया था। ये देखें जी साइज़ भी इसका बहुत खूबसूरत हो जाता है, बहुत मज़े से बन जाती है। उसके बाद जी मेरे पास मैं गई कल शाम को, तो मैंने आइडियाज़ पर, जिस तरह आजकल डिस्काउंटेड प्राइसेस हैं, तो मैंने बेडशीट्स लेनी थी, जैसे कि आप आगे अपकमिंग जो हमारा महीना है वो रमज़ान का है, तो उसके लिए जी बेडशीट्स चाहिए होती हैं, तो मैं मोस्टली कॉटन बेडशीट्स ही यूज़ करती हूँ। तो ये मैं ले आई थी, एक ये थी और एक मैं आपको दूसरी भी दिखा देती हूँ। लाइट से कलर्स में नहीं लिए, बिकॉज़ मेरे कमरे में बच्चों का इतना ज़्यादा उठना बैठना नहीं है, उनके अपने रूम्स हैं, तो इस वजह से मैं लाइट कलर्स को प्रेफर करती हूँ, तो बहुत ही खूबसूरत से कलर्स थे। देन मैं आ गई किचन में, और मैंने यहाँ पर मटन लेग को लगाना था मसाला, और लगाकर जैसे कि एक दिन के लिए तो इसको मैंने छोड़ना था फ्रिज में, कि ये ओवरनाइट इसके जितने भी इसके अंदर हम कॉन्डिमेंट्स डालेंगे वो अच्छे से डीप डाउन एब्जॉर्ब हो जाएँ और इसका कलर भी अच्छा आ जाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जी इसकी यहाँ पर मैंने करनी थी मैरिनेशन, मैं मैरिनेशन कर रही थी, इसके अंदर मैंने डीप कट्स लगाने थे। अच्छा, नाइफ मेरी उस तरह कुछ तेज़ नहीं थी और मुझे काफ़ी इशू आ रहा था। लाल मिर्चों का पाउडर मैंने डाल दिया जिसके अंदर 2 बड़े चम्मच मैंने भर के डाले हैं, 2 टेबल स्पून, और साथ मैंने नमक जो है वो थोड़ा सा, आप हाथ को हल्का रखिएगा बिकॉज नमक फिर जो है वो एंड पे तेज़ हो जाता है, तो साथ साथ आप देख लीजिएगा। सिरका मैंने डाल दिया तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून, और यहाँ पर अदरक और लहसुन जो है वो मेरे पास चॉप्ड थे, वो मैं इसके अंदर डालकर, और मैंने यहाँ ग्लव लगा लिया बिकॉज इतनी ज़्यादा मिर्चें हैं, तो मैंने कहा हाथ के साथ ना लग जाए, अक्सर भी दिहानी में ऐसा भी हो जाता है, तो ये मैं अच्छे तरीके से लेग पे लगाऊंगी। और तकरीबन सिरका अगर देखा जाए तो 1/4 कप तक तो मैंने अभी 3 to 4 टेबल स्पून बड़े मैंने लिए थे, लेकिन अगर आप ज़्यादा भी अगर आपसे डल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज़ इसकी मैरिनेशन और अच्छी होती है, इसका जो आप कह सकते हैं इसको गलाने के लिए जो एजेंट है वो सिरका बहुत अच्छा काम करता है, ये बहुत अच्छा इसको सॉफ्ट करेगा, ये देखिए प्रॉपर टेंडर हो जाएगी। उसके बाद मैंने और तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने और इस तरह दूसरी साइड पर भी मिर्चों का लगाया। बड़ा सा मैंने एयरटाइट बॉक्स ले लिया था बिकॉज़ मैंने इसको तकरीबन 1-2 दिन तो मैंने इसको रखना था, मैरिनेशन टाइमिंग मैंने इसको ज़्यादा देनी थी, जितना ज़्यादा मैरिनेशन का आप टाइम देंगे उतना ही इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। देन जी यहाँ पर मैंने ले लिया कीमा, कीमा बना रही थी मैं दम का, बिकॉज़ वो मटन लेग तो बनेगी तकरीबन 1-2 दिन के अंदर, उसको तो इतना टाइम तो 1 दिन का तो मिनिमम टाइम देना पड़ेगा, तो यहाँ मैंने कीमा ले लिया, दम का कीमा बना रहे हैं हम खड़े प्याज के साथ, तो ये भी बहुत मज़ेदार सा बनता है। इस रेसिपी को भी मैं अभी आपके साथ पूरा शेयर करती हूँ। सिमर कर दिया जी बेसिक मसाले डालने के बाद, हमने इसको सिमर किया तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ये हो गया था, और इसको अब यहाँ पर हम कीमे को फ्राई करेंगे।
अच्छा, कीमे के अंदर आपने देखा होगा मैंने प्याज नहीं डाला। इस खड़े प्याज की कीमे में स्टार्ट में प्याज नहीं जाता, वो मैं आपको आगे चल के बता देती हूँ। शिफ्ट कर लिया था मैंने कुकर से यहाँ पर पैन में, अच्छे तरीके से मैं साथ फ्राई कर रही थी कीमे को, और साथ मैंने हरा मसाला और जूलियन कट मैंने यहाँ पर, अदरक भी यूज़ करनी है वो भी अभी डालूँगी, हरी मिर्च और धनिया यहाँ पर हमने डाल लिया। ये देखें जी, उस टाइम तक भुनाई करेंगे जब तक इसका ऑयल अच्छा सा सेपरेट नहीं हो जाता, अच्छा सा बाहर नहीं आ जाता। ये देखें, अब यहाँ पर जाएगा जी एक बड़े साइज़ का प्याज, आप इस तरीके से कट कर लें, पतला सा करके कट कर लीजिएगा, और इस तरीके से आप डालकर उसको तकरीबन 4-5 मिनट पहले स्टार्ट में आप भुनाई करेंगे, और देन आप उसको कर दीजिएगा कवर। और जब आप कवर कर देंगे तो ये प्याज सॉफ्ट भी हो जाएगा और थोड़ा क्रंच भी इसके अंदर रहेगा। तो ये देखें जी, और एंड पे हम मज़ीद थोड़ा सा हरा मसाला इसके ऊपर डाल देंगे, और थोड़ा सा हम लेमन जूस भी निचोड़ देंगे। उसके बाद जी, मेरी एक बहुत अच्छी यूट्यूब फ्रेंड थी, मेरी दोस्त है सना, तो नाम भी मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ, अगर वो देख रही होंगी तो उनको पता चलेगा। उन्होंने मुझे ये कल शाम में ये मुझे गिफ्ट भेजा था वाटर सेट, तो मैंने कहा था कि ये मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। अच्छा, अभी तो ये मुझे थोड़ा थोड़ा सा इस तरह लग रहा था जैसे कि डस्टी सा था, जैसा कि मतलब आया भी था दूसरे सिटी से। तो ये देखें जी, अभी मैंने इसको वॉश नहीं किया, जस्ट मैंने जैसा ही खोला तो मैंने कहा आपके साथ भी ये मैं शेयर कर लेती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये क्रिस्टल का इस तरह वाटर सेट था, उन्होंने मेरी तरफ ये भेजा। थैंक यू सो मच सना, अगर आप देख रही हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखें जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मैंने कहा इंशाल्लाह इसको हम रमज़ान में ज़रूर यूज़ करेंगे, और जब मैं यूज़ करूँगी तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ भी शेयर करूँगी। अच्छा जी, कीमा तो हाँ हमारा रेडी था, इसको मैं डिश आउट करने लगी हूँ, और ये देखें जी इसको डिश आउट करने लगी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ जी आपको मेरा ये ब्लॉग आज का अच्छा लगा होगा, मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। चलो, मेरे चैनल पर नए हैं इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसके साथ ही मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अपना ढेर सारा ख्याल कीजिएगा। फी अमानिल्लाह।